वेलकम टू ट्रक विदेशी है दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसी के अंतर्गत हम आज एक नई कृषि भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से इसमें पदों की संख्या 9300 प्लस होने वाली है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे आज जो रिजल्ट आया है UPSC राज्य कृषि सेवा STA की कट ऑफ को लेकर, जो छात्रों में कई तरह के मतभेद हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने की वजह और OBC की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चली गई है, इसकी क्या वजह है आपको यहाँ पे बताई जाएगी। यहाँ पर दी गई कट ऑफ की जानकारी 100% सही साबित हुई, आप लोगों को अभी दिखाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं क्या UPSC AGTA की कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आ पाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेना आप लोग एक बार, ठीक है। कोई ऐड नहीं आने वाला क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं है और इसलिए कोई भी ऐड नहीं आएगा। और अगर आप लोगों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश नई कृषि भर्ती के बारे में। यहाँ पर पदों की संख्या 9350 प्लस होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ निकल के आई है, प्रदेश में 9368 कृषि सखियों का चयन होगा। तो कृषि सखियां हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं इसको पढ़ के एक बार। प्रदेश के 54 जिलों में 9368 कृषि सखी नियुक्त तो होंगी जो किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाएंगी। इन कृषि सखियों का चयन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में गठित स्वयं सहायता समूहों की सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं के बीच में किया जाएगा। ये सखियाँ प्राकृतिक खेती के लिए चयनित जिलों में प्राकृतिक खेती के मुख्य निवेश मसलन बीजामृत और जीवामृत और दसपर्णी और घन जीवामृत और अग्नि अख ब्रह्मा ब्रह्माक और नीमाक प्रमाणित बीज तैयार करने के तरीके किसानों को सिखाएंगी। इन सखियों के 6500 रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है। तो इसमें सैलरी देखिए यही है मानदेय जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सैलरी आपकी 6500 होगी। अब इतने कम में आप लोगों का गुजारा कैसे चलेगा ये आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, लेकिन सभ्य शब्दों में, ठीक है। सरकार इतनी ही सैलरी आप लोगों को देने वाली है इसमें। और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ राज्य में प्राकृतिक खेती का तेज़ी से विस्तार करने के लिए सरकार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कृषि सखियों का चयन करने जा रही है। तो कृषि के बाद इन कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती के माध्यम से फसलों के उत्पादन कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कृषि विशेषज्ञों द्वारा मिलने वाले प्रशिक्षण में ये प्रजातियों का चयन करने से लेकर उनकी बुवाई, फसल को संरक्षित करने, उन्हें पोषण तत्व तो प्रदान करने की मात्रा आदि जानेंगी। तो इन सखियों को प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता दिलाने की तकनीक भी बताई जाएगी और किसानों को मार्केट डिमांड के अनुसार फसलों का चयन करना भी बताया जाएगा। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद ये सखियां किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए न सिर्फ प्रेरित करेंगी बल्कि उनकी तकनीकी भी उन्हें सिखाएंगी। तो ये कृषि सखियां हैं और ये इस न्यूज़ को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये भर्ती जो है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है। और इन जिलों में चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो जिला के नाम लिखे हुए हैं आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी के नाम शामिल हैं। तो इन सभी जिलों में कृषि सखिया की ये भर्ती होने वाली है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 6500 रहने वाली है। इतनी सैलरी में आप लोग अगर काम करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें आवेदन कर देना, ठीक है। कैसे क्या आवेदन होगा इसके बारे में यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है, इसके आगे कोई भी जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है इसके आवेदन जो है वो सेवा आयोजन पोर्टल पर ही होंगे, ठीक है। तो सेवा आयोजन पोर्टल कैसे क्या करना है आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो आप लोग जानकारी कर लीजिए, वहाँ से आवेदन कर देना। आगे इससे रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं UPSC राज्य कृषि सेवा STA। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने की वजह, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, OBC की कटाव बहुत ज़्यादा चली गई है।
18 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम हुआ था और मैंने 20 अगस्त को एक ये वीडियो बनाया था, इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी राज्य की सेवा एसटीए की। ये वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, 20 अगस्त का ये वीडियो है और इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताई थी लगभग वही कट ऑफ है और ऊपर नीचे भी है, क्योंकि जो कट ऑफ बनाई गई है वो हर डिपार्टमेंट वाइज, मतलब हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी की बनाई गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, यहाँ इसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी, क्या ओबीसी की कट ऑफ अनरिजर्व्ड से भी ज़्यादा जा सकती है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया था, ओबीसी की कट ऑफ जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ज़्यादा क्यों जाएगी। इसके मैंने 20 अगस्त के वीडियो में ही आप लोगों को अच्छे से समझाया था और बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कितनी कट ऑफ बताई थी, यहाँ पर देखिए, बीएससी 70+ कट ऑफ बताई थी मैंने बीएससी के लिए, ठीक है। दो तरह की कट ऑफ बताई थी, बीएससी के लिए और एमएससी के लिए। एमएससी वालों की बताई थी 60 के आसपास, ठीक है। और आप लोगों को ये भी बताया था कि कट ऑफ जो है वो बैरी करेगी, और वो क्योंकि किसी सब्जेक्ट की सीटें ज़्यादा हैं, वैकेंसी ज़्यादा हैं, किसी की कम है, इसीलिए एमएससी की कट ऑफ बैरी करेगी। लेकिन बीएससी की जो कट ऑफ है वो मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पर, कि जो कट ऑफ है वो 70+ रहने की उम्मीद है, बाकी एक दो तीन नंबर, मतलब 5 नंबर तक ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी कम है और छात्र ज़्यादा हैं। ऑफिशियल कट ऑफ तो अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए, कई छात्र कमेंट करके अपनी अपनी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बीएससी डेवलपमेंट ब्रांच क्वालिफाइड 73.5 एससी करेक्ट। तो यहाँ पर, और ये ग्रुप है, ये मैंने सुबह ओपन किया था, AGTA STA डाउट ग्रुप, और इसमें भी बहुत से छात्रों ने अपनी कट ऑफ बताई थी। और यहाँ पर देखिए, ये एक बाई फोनिक्स नाम से हैं, इन्होंने भी अपना बताया है 69, मतलब 70 के आसपास हैं अनरिजर्व कैटेगरी इन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीएससी वालों के लिए जो कट ऑफ बताई थी, पूरा एनालिसिस करके सही तरीके से कट ऑफ बताई थी आप लोगों को, तो लगभग उतनी ही कट ऑफ गई है लगभग में, ठीक है। और बाकी एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ बताई गई थी वो लगभग में गई है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं ने या किसी ने भी कुछ भी बताया हो, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ बताई गई थी बीएससी की कट ऑफ लगभग वही गई है। बाकी जो मैंने प्लस माइनस में भी कुछ नंबर बताया था 5 नंबर तक, तो वो भी ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, क्योंकि मैंने जब दूसरा वीडियो बनाया था इसके लिए, जब आंसर की आ गई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ कम भी जा सकती है, इसीलिए अनरिजर्व कैटेगरी में 70 से कम पे भी ये देखिए सिलेक्शन हुआ है बीएससी का, ठीक है। बाकी एमएससी वालों के लिए मैंने 60 के आसपास कट ऑफ बताई थी, और एमएससी के लिए कई सारी इसमें ब्रांचेस थी, कई सारे सब्जेक्ट थे, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मतलब सीटें थी यहाँ पे, तो एमएससी की कट ऑफ जो है वो बैरी की, कहीं किसी का हो गया 55 नंबर पे और कहीं किसी का 65 नंबर पे हो गया, तो कहीं किसी का ओबीसी वालों का ज़्यादातर नहीं हुआ इसमें। और इसमें बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये 55+ भाई कृष्णा जी नाम से है ये, और ओबीसी प्लस कट ऑफ में बता रहे हैं, और इनका हुआ है इन लोगों का, और ये प्लांट प्रोटेक्शन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ लोग 76 में और में भी बता रहे हैं कि हो गया है, और 76 में एक भाई तो बोल रहे हैं कि मैंने एसटीए का सिलेबस देखा, 71 में से 50 सही हैं और सही हुआ, और इनका भी निकल गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी तो छात्र जो बता रहे हैं उसी के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ देखिए एमएससी की जो है वो कट ऑफ बैरी की है, मतलब किसी कैटेगरी में 50 से ऊपर 52-53 जैसे भी आपकी डिपार्टमेंट की आपकी सब्जेक्ट की सीटें थी उस हिसाब से कट ऑफ गई है, बाकी डेवलपमेंट ब्रांच की ज़्यादा गई है, और जो बीएससी की है वो 70 के आसपास गई है, और ये अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। लेकिन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 77 क्वेश्चन बता रहे हैं कि डेवलपमेंट में नहीं हुआ। और ओबीसी वालों के लिए जो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाया था उसमें भी बता दिया था कि ओबीसी की कट ऑफ जो है अनरिजर्व से ज़्यादा जाएगी, तो वही आपको देखने को मिला। इसकी वजह है, और ये मैंने वजह बता दी थी पहले भी, टारगेट विदेश एच इस पर देखिए, ये कट ऑफ जो है यूपी पीसीएस 2023 प्री कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसमें जो कट ऑफ जो आरटीआई रिप्लाई में आया था, इसमें प्री की जो ओबीसी की कट ऑफ है वो आप लोग देख सकते हैं 128 है, जबकि अनारक्षित की 125 है। तो मतलब ओबीसी की कट ऑफ अनारक्षित से और
कभी कभी EWS से भी ज़्यादा चली जाती है। बाकी मैंने अपने चैनल पे ही BEO की जब कट ऑफ जारी की गई थी, देखिए एक RTI से BEO की कट ऑफ प्राप्त हुई थी, इसमें जनरल की 137, EWS की 152 और OBC की 165 गई थी कट ऑफ। ये प्री की कट ऑफ है और ये देखिए यहाँ पे ये कट ऑफ जो है ये OBC की 165 गई है कट ऑफ, ठीक है, EWS की 152 और अनारक्षित की 137। OBC की सबसे ज़्यादा प्री की कट ऑफ जा रही है। और इसी मैसेज में मैंने साफ साफ ये लिखा था, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ ये देखिए क्या लिखा था मैंने, राज्य कृत सेवा STO में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, जिसकी जानकारी कटाफ वाले वीडियो में डिटेल में समझाई थी। अधिक जानकारी के लिए STO की कटाफ वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मैं लगातार पहले से बताता आ रहा हूँ OBC वालों के लिए कि आपकी कटाफ जो है सबसे ज़्यादा जाएगी प्री की। अब ये देखिए PCS की देख ली आप लोगों ने, BEO की भी देख ली, अब RO की कट ऑफ देख लीजिए, एक RTI रिप्लाई में 2021 की ये प्री की कट ऑफ है, इसमें जनरल की 102, OBC की 110, EWS की 106, जनरल से ज़्यादा जा रही है OBC और EWS की कट ऑफ। तो ऐसा क्यों होता है ये मैंने कट ऑफ के जो वीडियो बनाया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ का उसमें डिटेल में बताया था। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोग जो OBC मतलब ऐसा है कि जब वैकेंसी आती है तो जो सीटें आपकी कैटेगरी में होती है तो उसी कैटेगरी में आप लोगों का रिजल्ट बनाया जाता है, और कुछ लोग इसमें आरक्षण भी का लाभ ले लेते हैं एज से रिलेटेड, एज में छूट ले लेते हैं या कोई भी प्री में, तो उनको बाद में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जो आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं उनको बाद में आरक्षण का लाभ मिलता है। तो इसको कुछ भी कहा जाए, अब जो नियम है वो है। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसकी वजह से अब कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका रिजल्ट नहीं बदला जाएगा या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए UP PCS में भी ऐसा हुआ है, BEO में भी ऐसा हुआ है, RO में भी ऐसा हुआ है, तो अब राज्य कृषि सेवा STO में भी ऐसा देखने को मिला है, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक कट ऑफ की जो भी जानकारी दी गई है वो सही साबित हुई है 100%, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें 15 गुना लिखा हुआ है रिजल्ट में, लेकिन 15 गुना नहीं लिया गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं 15 गुना जो है अगर आप लोग टोटल करेंगे 268 का 15 गुना करेंगे तो लगभग 4000 प्लस होता है जाके, तो 4000 प्लस ना लेके इन्होंने 2000 प्लस छात्रों को लिया है, तो इस वजह से और भी कम छात्र इसमें सेलेक्ट हो पाए हैं और कट ऑफ जाने का रीज़न एक ये भी है। और एक बात और बताएँ आप लोगों को, जो लोग बोल रहे हैं कि 15 गुना नहीं लिया गया, तो यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि आपकी जो वैकेंसी है, मान लीजिए जैसे DHO में 3 वैकेंसी हैं, तो 3 का अगर 15 गुना करेंगे तो 3 के 15 गुने में देखिए 15 × 3 = 45 होता है, लेकिन यहाँ पे 47 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे 15 गुना से ज़्यादा भी ले लिया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जो भी वैकेंसी थी, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मतलब एलिजिबिलिटी के हिसाब से वैकेंसी थी, तो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग 15 गुना यहाँ पे लगाया गया है। तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो 1 से 2 भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, तो इस वजह से भी ये कट ऑफ का मैटर हुआ है, ठीक है। और बहुत से छात्र ऐसे हैं जो मतलब कुछ वैकेंसी कुछ डिपार्टमेंट की ऐसी हैं जिनमें मिनिमम कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं बहुत से छात्र, इस वजह से भी बाहर हुए हैं, अपनी वैकेंसी के लिए मिनिमम कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं इसमें। तो यही जो है मेन वजह है कि आप यहाँ पे 15 गुना नहीं लिए गए हैं, तो 2029 अभ्यर्थियों को यहाँ पे पास किया गया है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे, और अब आपकी ये पूरी जानकारी जो भी है मैंने दी यहाँ पे क्लियर हो गई है जो भी आपके डाउट्स होंगे। अब सवाल एक ये आता है जो छात्र पूछ रहे थे, क्या UP SSC AGTA में भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी? तो आप लोगों को एक बात बता दें कि छात्र भले ही कम हो, लेकिन इतने दिनों बाद ये वैकेंसी आई है AGTA की, तो उसमें छात्र बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वैकेंसी ज़्यादा है, और छात्र जो हैं लगभग 40,000 के आसपास हैं, 38,000। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि जो भी छात्र हैं मेहनत कर रहे हैं, और कट ऑफ के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, अभी समय है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और UP SSC में ऐसा नहीं होगा, OBC की कट ऑफ जो है वो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा नहीं जाएगी, बराबर जा सकती है OBC की कट ऑफ जनरल या EWS के बराबर जा सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि UP SSC में ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक ही डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, सिर्फ BSc एक ही एलिजिबिलिटी के लोगों को फॉर्म अप्लाई करवाया गया है, मतलब अलग अलग
इसमें ऐसी एसटीए की तरह ऐसा नहीं है कि अलग अलग वैकेंसी के अलग अलग कट ऑफ बने, तो इस तरह का ऐसे इसमें कोई भी वजह नहीं बनने वाली है। और आप लोग निश्चिंत रहें, ओबीसी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, जनरल से ज़्यादा नहीं जाएगी, ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा नहीं जाएगी, बराबर हो सकती है। और एजीटीए की जो कट ऑफ है उसके चक्कर में यही बोलूँगा, चक्कर में मत पड़िए आप लोग, अभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना भी मैक्सिमम आपका क्वेश्चन सही करके आएंगे जब एग्ज़ाम होगा तो उसके हिसाब से बाद में कट ऑफ बताई जाएगी। एजीटीए की कट ऑफ अभी कोई नहीं बता सकता। फिलहाल आप लोग जितना भी ज़्यादा हो सके अपना टारगेट एक रखिए 80+ क्वेश्चन करने का, तो आप लोग एक तरह से सेफ रहेंगे 100%। उसके बाद डिपेंड करेगा कि किस तरह का पेपर आएगा और किस तरह से छात्र उसको अटेम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, वो सब बाद में एनालिसिस करके ही बताया जा सकता है। तो अभी समय है पढ़ाई का। अगर आप लोगों का एसटीए में प्री निकल गया है तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशन, और आप लोग मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। और अगर नहीं निकला है तो एजीटी आप लोगों के पास एक मौका है, इसमें आप लोग अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी तरफ से पूरी जानकारी। फिर भी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।